गाय के गोबर से और एक दीपक से होगा फशीकान। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों स्वामी देवता जी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। आप अपने दूसरे शहर में बैठे प्रेमी को या पति को वशीभूत करना चाहते हैं, या प्रेमिका को वशीभूत करना या पत्नी को वशीभूत करना चाहते हैं, तो आज का प्रयोग आपके लिए। अगर आप अन्य भी किसी स्त्री पुरुष का वशीकरण करना चाहते हैं तो आज का प्रयोग केवल और केवल आपके लिए। वीडियो को अंत तक देखें, विधि को पूर्ण रूप से जाने। आदि उत्तरी विधि किसी कार्य की नहीं होती और वशीकरण बच्चों का कार्य नहीं है, तो इसलिए पूर्ण संपूर्ण विधि को जान के गुरु की आज्ञा लेकर फिर ही आप इस वशीकरण टोट के ऊपर आप सफल हो पाएंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है, बहुत सा सरल उपाय है। इसे आप कब करना है उससे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा, अगर अब तक आपने मेरा एसएल गुरु जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को करें। स्वामी जी के द्वारा आपको बहुत सी विधियाँ बताई जाएंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से करना है तो समय मैं आपको बता देता हूँ। जिस कार्य को आपको लगातार 2 दिन करना है, सोमवार मंगलवार करें, या आप सप्ताह के किसी भी 2 बार चुन सकते हैं, लेकिन जो जोड़े के चुने, जैसे रविवार और शनिवार होता है, वैसे मंगलवार और गुरुवार होता है, मंगलवार और सोमवार, इस तरीके से आप चुने। तो आपको दिशा उत्तर रखनी है। आपको गाय का गोबर चाहिए, एक दीपक चाहिए, एक घी का, शुद्ध घी का गाय के, और चावल चाहिए, एक गुलाब जल चाहिए, और उस इंसान की फोटो, और कोयले की सहायता से आम के या अनार की लकड़ी का कोयला बना लें, उससे आप नाम लिखें जिस स्त्री पुरुष के लिए आप कर रहे हैं। या तो उत्तर दिशा चुने या उस दिशा की तरफ चुने जिस दिशा में उसका घर है, जिस दिशा में उसका शहर है, जिस दिशा में वह रहता है, उसका माहौल है, तो उसका नाम लिख के उसकी तस्वीर को रखें। उसके ऊपर आपको 3 से 4 बूंदे गुलाब जल की डालनी है, डाल दें। उसके बाद आपको रखना है उसके ऊपर चावल, चावल रखकर अब आपको आग बंद करके उसका 2 मिनट रोज चिंतन करना है। चिंतन कर देने के बाद आपको गाय के गोबर को उसकी तस्वीर के ऊपर रख देना है। रख देने के बाद आपको बारी आती है इस दीपक को इसके ऊपर रखने की। रख दिया, अब आपको सबसे पहले 7 बार उस इंसान का नाम देना है, 7 बार स्वयं का नाम लेना। इसके 7 चक्कर आपको लगाने हैं, 7 फेरी लगानी है। 7 फेरी लगा देने के बाद खड़े होकर लगाएं, इसके सामने बैठ जाए। उसके बाद मन ही मन एक मंत्र का जाप करें, भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का, ओम राधा कृष्णाय नमो नमः, ओम राधा कृष्णाय नमो नमः, ओम राधा कृष्णाय नमो नमः, इसका जाप करें और इसे वैसे के वैसे छोड़ दें। 2 दिन लगातार करना है, करें और बाद में 2 दिन के बाद इस तस्वीर को अपने पास रख लें और बाकी की सामग्री को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, या आप इसे पीपल की वृक्ष की जड़ों में छोड़ कर आ जाए। बस ये छोटा सा उपाय आपके जीवन को बदल देगा। इसके अलावा अगर आपके जीवन कोई परेशानी चली और आप उसका उचित समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर सकते हैं बताइए। इसी साथ आपसे जय चाहूँगा, धन्यवाद।